नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। राजधर्म में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा पंत। धर्म की चर्चा हर कोई करता है, लेकिन राजधर्म की चर्चा नहीं होती। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम राजधर्म है, जहां हमारा मकसद हर मुद्दे को राजधर्म की कसौटी पर कसना है, क्योंकि सही वही है जो राजधर्म कहता है। और राजधर्म में आज का मुद्दा मराठा आरक्षण को लेकर, जिसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में स्थिति हिंसक हो गई है। कल मुंबई बंद का ऐलान तक किया गया है। और ऐसे में सवाल ये कि जब कोर्ट ही कहता है कि 50% के बाहर जाकर आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते, तो मराठा आरक्षण का ये पूरा मुद्दा क्या सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है? महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग लेकर फिर सड़कों पर मराठा। महाराष्ट्र के कई शहर बंद और हाईवे हुए जाम। मराठा आंदोलन के दौरान औरंगाबाद में हुई हिंसा। आरक्षण आंदोलन में कल एक युवक ने कर ली थी खुदकुशी। सीएम फडणवीस ने दिया है 72,000 नौकरियों में 16% आरक्षण का आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं मिल सकता 50% से ज्यादा आरक्षण। क्या मराठा आरक्षण सिर्फ एक लॉलीपॉप है? तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि आज हम मराठा आंदोलन पर, मराठा आरक्षण के इस मुद्दे पर अपनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये आरक्षण अब सिर्फ आरक्षण नहीं रहा है, ये पूरा मामला बढ़कर अब एक बड़े आंदोलन और हिंसक आंदोलन का रूप ले रहा है। अब तक क्या हुआ है मराठा आंदोलन में, आपको बता दें, मराठा समाज ने कल मुंबई बंद का ऐलान किया। कल मुंबई के साथ महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर बंद होंगे। ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ में भी बंद रहेगा कल, क्योंकि आंदोलन हिंसक और उग्र होता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और जरूरी सेवाओं पर बंद का असर नहीं होगा। बंद के दौरान तोड़फोड़, हिंसा नहीं करने का ऐलान किया गया है। लेकिन कल ये खबर आई थी औरंगाबाद से, किस तरह से एक युवक ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपनी जान दे दी। देखिए, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में रोड ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने की आशंका है। आंदोलनकारी जगह जगह रास्ता रोककर खड़े हुए हैं, जगह जगह रास्ता रोक कर खड़े हैं, अपनी मांग पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि उनको 16% आरक्षण दिया जाए, लेकिन जैसे ये मांग मानी जाती है, ये कोर्ट की तय सीमा से बाहर हो जाता है। उस्मानाबाद शहर पूरी तरह बंद है, स्कूल दुकानें बंद हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक राज्य इस आरक्षण की वजह से फिलहाल बंद की स्थिति में है। मुंबई गोवा हाईवे रत्नागिरी के पास बंद है। इनमें से कई बातें आपकी काम की भी हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां से इस बार विवाद की शुरुआत हुई। यहां आज हिंसा हुई, आगजनी हुई, हाईवे तक बंद कर दिए गए। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है, और हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो कि इस तनाव का केंद्र है। हम इस वक्त मौजूद हैं अहमदनगर औरंगाबाद हाईवे पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले लोगों ने इस हाईवे को रोक रखा है, और इस तरह से रास्ते में अवरोध डालने के लिए ये टायर्स यहां पर जलाए हुए हैं। कई जगह पर आप देखेंगे कि पत्थर आगे लगा दिए गए हैं, कहीं पर खंभे लगाए गए हैं। और ये वो सड़क है जिस पर आगे जाकर अहमदनगर की तरफ एक पुल आता है, गोदावरी नदी के ऊपर। उस पुल से ही सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे काका साहेब शिंदे नाम के एक आरक्षण के आंदोलनकारी ने छलांग लगा दी थी करीब 40 फुट नीचे नदी में, और नदी का बहाव उस वक्त तेज था, और जिसमें डूबने से काका साहेब शिंदे की मौत हो गई। और उस घटना के बाद से महाराष्ट्र के कई इलाकों में तनाव फैल गया। आज कई शहरों में जो है बंदी का माहौल रहा, कई प्रमुख हाईवे थे जहां पर रास्ता रोको किया गया, और सबसे ज्यादा हिंसा जो है इस सड़क पर देखने मिली, जहां पर कई वाहनों में आग लगा दी गई, कई सरकारी वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई। और कल दोपहर से ही ये हाईवे बंद है। औरंगाबाद और अहमदनगर, ये दो प्रमुख शहर हैं महाराष्ट्र के, उनको जोड़ने वाला ये हाईवे है। हालांकि पुलिस ने दोपहर के वक्त हाईवे को खुलवाने की कोशिश की थी, भीड़ को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ नहीं मानी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी
पुलिस इस हाईवे को खुलवा पाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज औरंगाबाद। और अब आपको बता दें, आंदोलनकारी अब भी हाईवे पर ही जमे हुए हैं, हाईवे बंद है, इसे खुलवाने की पुलिस की एक कोशिश नाकाम हो चुकी है। आंदोलनकारियों का यह साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे। आंदोलनकारियों से बात की संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने। औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे जो कि सोमवार की दोपहर से ही बंद है, आप देख सकते हैं आंदोलनकारियों ने किस तरह से पूरे रास्ते भर में बड़े बड़े पत्थर डाल रखे हैं, खंभे उखाड़ कर डाल दिए हैं जो साइन बोर्ड्स के हैं, और यहां से वाहनों की कोई भी आवाजाही नहीं हो पा रही है। इसी सड़क पर आज दोपहर के वक्त जो सरकारी वाहन यहां से गुजर रहे थे उनको रोककर उनके साथ में आगजनी की गई और यहां पर काफी बड़े पैमाने पर दोपहर के वक्त हिंसा हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों आंदोलन ने इतना आक्रामक रूप ले लिया, क्यों इतना हिंसक रूप ले लिया। महाराष्ट्र राज्य के गवर्नमेंट है, उनसे पूछ रहे कि हमको आरक्षण चाहिए, 16% आरक्षण हमको होना चाहिए, तब भी गवर्नमेंट नहीं मान रहे। हमें आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो ये फडणवीस इस राज्य का मुख्यमंत्री, इसका राजीनामा चाहिए, नहीं तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा। पुलिस की मौजूदगी आप यहां पर देख सकते हैं। पुलिस ने हालांकि दोपहर को एक असफल प्रयास किया था इस सड़क को खोलने का, यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लाठीचार्ज भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी बड़ी तादाद में यहां पर मराठा आंदोलनकारी हैं तो पुलिस बल पर्याप्त नजर नहीं आ रहा, और पुलिस को शायद इस तरह की हिदायत दी गई है कि और ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करना है। दरअसल आंदोलन में शामिल एक युवक ने कल औरंगाबाद में ही गोदावरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। क्या हुआ था कल इस नदी पर, जितेंद्र दीक्षित आपको बता रहे हैं। हम इस वक्त महाराष्ट्र में उस जगह पर हैं जो कि राज्य में मौजूदा तनाव का केंद्र है। जी हां, औरंगाबाद जिले में ये वो पुल है जहां से सोमवार की दोपहर को एक मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे युवक ने, जिसका नाम काका साहेब शिंदे है, उसने यहां से नदी में छलांग लगा दी और कुछ ही पलों बाद उसका निधन हो गया, डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। हमारे साथ एक चश्मदीद मौजूद हैं जो पासी के गांव में रहते हैं, अरुण इनका नाम है। अरुण, ये बताइए कि क्या हुआ था। उधर से टाइम भागते टाइम आ गए हो और वहां से उड़ी मार दी, हम इधर थे। कितने लोग थे आंदोलन करने के लिए आ रहे थे उस पुल पर? बहुत थे, पब्लिक ज्यादा थी, उधर से पुलिस वाले बचा रहे थे उस, तो ये उड़ी मार दी है। और भी लोग छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस ने रोका। जिन इलाकों में आज बंद नहीं था वहां पर बंद घोषित किया जाएगा। कई बड़े राज्य के जो हाईवेज हैं वहां पर, जैसे कि मुंबई नासिक हाईवे है, वहां पर काफी देर तक रास्ता रोका गया, मुंबई गोवा हाईवे पर रास्ता रोका गया। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव हो, ये एक बड़ी चुनौती का सामना है जो कि बीजेपी को महाराष्ट्र में करना पड़ेगा। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज औरंगाबाद। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है, आरक्षण एक तय सीमा से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट का यह आदेश है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में पहले ही 50% का कोटा पूरा हो गया है, अब इसमें 16% आरक्षण का वादा जो लगातार फडणवीस सरकार और उनसे पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार करती आई है, वो सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना नहीं तो और क्या है। ये मराठा आरक्षण अगर लॉलीपॉप नहीं तो और क्या, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ बहुजन चिंतक दिलीप मंडल जी आज की इस चर्चा में हैं, और यूथ फॉर इक्वालिटी से डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले दिलीप मंडल जी, मुझे एक बात बताइए, मराठा आरक्षण अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा है, ये उग्र हो गया है, इसमें हिंसा हो रही है, इसमें आगजनी हो रही है, लोग मांग के लिए अपनी जान दे रहे हैं। ऐसे में फडणवीस सरकार जो 72,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वाली है उसमें कहती है कि हम आपको 16% आरक्षण दे देंगे, बजाय कि कोर्ट उस पर मोहर लगा दे, ये तो मामले को और भड़काएगा, आग को और भड़काने का काम करेगा। जो अधिकार आपके हाथ में है ही नहीं, वो क्या सिर्फ और सिर्फ मराठाओं को नाराज ना करें आप, इसीलिए झूठे आश्वासन दे रहे हैं उनको? नेहा, देखिए ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ कोई भी आरक्षण जो है 50% ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। बालाजी में केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये जरूर है कि 50% आरक्षण होना चाहिए। आप जानती हैं कि इस देश में कई जगहों पर 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, और सर वो सब जगह सब ज्यूडिस है, 69% आरक्षण है वो मामला के तहत, और फिर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से है, तो
नहीं, आरक्षण ज्यादा हो सकता है तो ये ऐसा नहीं है। पहले तो संवैधानिक स्थिति यही है कि आरक्षण की ऐसी कोई तय सीमा नहीं है। कोर्ट का एक मिनट, कौशल कांत साहब पहले वो अपनी बात रख ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। एक मिनट कौशल कांत जी, एक मिनट सर, पहले वो बात पूरी कर ले फिर मैं आती हूँ, कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए दिलीप मंडल जी, बोलिए। नहीं कौशल जी बात सुन लीजिए पूरी। ये सारा विवाद क्यों हो रहा है? देखिए आरक्षण के सारे आंदोलन इस समय हिंसक हो रहे हैं, चाहे जाट आरक्षण का मामला हो, चाहे कपू आरक्षण का मामला हो, या चाहे गुर्जर आरक्षण का मामला हो। दरअसल सरकार ने एक गड़बड़ी की है जिससे सारी हिंसा भड़क रही है। मराठा क्या कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेड नहीं है, लगभग हम 35% आबादी हैं, हमको उतनी सरकारी नौकरियां नहीं है, हमको आरक्षण चाहिए। सरकार के पास आज ये कहने की स्थिति नहीं है कि आपको आप नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेड हैं। ये ऐसा इसलिए है कि सरकार ने 4,893 करोड़ रुपए करके इस देश में जाति जनगणना कराई है, लेकिन उस जनगणना के आंकड़े सरकार रिलीज नहीं कर रही है। अगर आज सरकार के पास आंकड़े होते तो वो कहती, देखिए मराठा बंधुओं आपकी आबादी है ये 28% और आप उससे ज्यादा ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हैं, कृपया आंदोलन न करें। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं मराठाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है, आंदोलन है वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर उस तबके का हिस्सा नहीं है जहां पर उनको आरक्षण मिले, आप ये कह रहे हैं दिलीप मंडल जी? नहीं देखिए, आरक्षण जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है ये नहीं है, ये साबित करने का एक तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, दूसरा कि वो नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेड हैं कि नहीं इसका आंकड़ा नहीं है। सरकार इस देश में दरअसल जाति युद्ध कराना चाहती है और इसकी वजह से वो जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज नहीं कर रही है। जाति के आधार पे तो सभी मांग रहे हैं ना आरक्षण, अगर सभी मांग रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत, मुझे ट्विटर पे कई लोग लिख रहे हैं कि हम इस देश में ऐसा लग रहा है हर जाति हर समाज खुद को सबसे पिछड़ा घोषित करने में लगा हुआ है ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल जाए। नेहा जी, इसके लिए दिलीप मंडल जी जैसे चिंतक को आगे आना चाहिए, जब इनके जैसा आदमी भी ये कहेगा। ये समझिए कि ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी लाई गई थी ये सिर्फ दलितों के लिए लाई गई थी जिनमें अनटचबिलिटी थी, और आज इसको एक और ये समझ लीजिए कि 1993 के पहले जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके पहले रिजर्वेशन के अगेंस्ट इतना उबाल नहीं था, ना फॉर था ना अगेंस्ट था, लेकिन जब से ये मंडल कमीशन यानी जब से जातिगत आरक्षण लाया गया है तब से इस पे पॉलिटिक्स होती है और दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। तो सिर्फ मंडल जी आप जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये एक कोई रिजर्वेशन कभी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं था, वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है। नहीं, लेकिन केवल अनटचेबल के लिए बनाया गया। मंडल जी कह रहे हैं कि 50% के ऊपर भी आरक्षण हो सकता है, मतलब 50% आरक्षण के बाद भी मंडल साहब ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा भी सीमा बढ़ जाए और जिन राज्यों में बढ़ी है वहां कुछ दिक्कत नहीं है। नेहा जी, नहीं नेहा जी, इनको अपने फैक्ट थोड़ा क्लियर करें। जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके दिक्कत पास है, पंडित में लिखा हुआ है जी, जब ये कि आरक्षण इस देश में जो है वो एक एक करके मंडल जी, मैं आती हूं आपके पास। नहीं है कि सर सुन तो लीजिए, तुरंत आऊंगी, बात करने दीजिए फिर आती हूं। हां बोलिए बोलिए कौशल कांत जी। मंडल जी प्लीज 50 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नया पब्लिश होके आया है वो नोटिफाइड है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर 50% के ऊपर आरक्षण लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, और वो अगर किया जाएगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा जो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। और रही मराठा आंदोलन के इस समय की बात, आप ये देख रही हैं कि बीजेपी और शिवसेना में मराठा में प्रॉब्लम हो रही है। शिवसेना मराठा की बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बड़ा स्टे है, इसलिए ये एक पॉलिटिक्स हो रही है केवल 19 के इलेक्शन के लिए। ये टग एंड वॉर है बिटवीन शिवसेना एंड बीजेपी जो गलत है, और मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो इसके ऊपर होने वाली जाति की पॉलिटिक्स, और मराठा कोई जाति नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग हैं। पूरा महाराष्ट्र अगर बैकवर्ड होगा, पटेल गुजरात में बैकवर्ड होंगे, जाट हरियाणा में बैकवर्ड होंगे, तो हिंदुस्तान में कौन फॉरवर्ड होगा? और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1640 जातियां थी, आज हमारे देश में पिछड़ेपन की 6,500 जातियां हो गई हैं। मतलब ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पिछड़े हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो विकास कर रहा है, और विकास की वो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं दिलीप मंडल जी, जहां पर बसें टूटी हुई हैं, आगजनी हुई है, मुंबई
थाने जैसे जो शहर है वो बंद हो गए। मंडल साहब, आप सोल्यूशन की बात करें पर मुझे ये बताएं, आपने जो कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो भी हो सकता है, देखिए सवाल लोग पूछ रहे हैं कि इस देश में क्या सब कुछ आरक्षण पर ही चलेगा, तो फिर अगर ऐसा ही है तो आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर क्यों हो? पिछड़े लोग तो हर जाति में मौजूद है। नेहा मेरी बात सुने प्लीज, नेहा मेरी बात सुने, भारत में और ये मामला सब जूडिस है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ये मामला सब जूडिस है, और तो, जो राणे तो, कमीशन तो, बना था और जो ओबीसी के लिए मराठा कमीशन बना था उसमें महाराष्ट्र मराठा को बैकवर्ड नहीं माना गया है। ठीक है पंडित जी, मेरी बात सुनिए, अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए तो नौकरियां जो हैं वो किसी एक समुदाय के हाथ में रहे नेहा, ये देश के मैं अगर पंडित जी कहें, आप मेरे को पंडित जी कहेंगे तो दिक्कत है, लगभग 3.5% आबादी के साथ 30-40% नौकरियों में खास करके ऊपर की नौकरियों में ब्राह्मण है, ये ओवर रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी वजह से कुछ जातियां अंडर रिप्रेजेंटेड रह गई है, तो ये ओवर जो कुछ लोग ज्यादा खा ले रहे हैं वो दरअसल समस्या है, ये नहीं कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सर तो फिर ये बताइए ना, आंकड़े जारी करने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है, 5000 करोड़ ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मंडल जी, कौशल कांत जी मेरे ख्याल में जारी नहीं कराए, इसकी वजह से इस देश में हिंसा हो रही है। नहीं नहीं मेरा सवाल बहुत सीधा है, देखिए दिलीप मंडल जी जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं ना, सुनिए ना सर, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो अगर सरकार ओबीसी का जो तय कोटा है 27% का उसमें मराठों को शामिल कर दे, दिलीप मंडल जी अगर 27% जो ओबीसी का कोटा है उसमें मराठों को शामिल कर लिया जाए तो राज्य में एक और आंदोलन शुरू हो जाएगा सर, फिर ओबीसी और जो दलित हैं वो इसके खिलाफ हो जाएंगे, वो कहेंगे हम मराठाओं को नहीं रखते अपने साथ, ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है ना नेहा, हाँ ऑलरेडी वो स्पेस सर 50% के बाद बचता कितना है सर, कौशल कांत साहब एक सोल्यूशन सुनिए ना दिलीप मंडल जी, कौशल कांत जी मैं तो आज बिल्कुल वो भावना से बात कर रही हूँ जो लोग मुझ तक पहुंचा रहे हैं, दिलीप मंडल जी आपका पॉइंट मैंने ले लिया, कौशल कांत जी दिलीप मंडल जी कह रहे हैं कि 27% का कोटा तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है उसमें तो मराठा भूल जाए, और वो ये भी कह रहे हैं कि 50% आरक्षण के ऊपर भी अगर आरक्षण की बात हो तो दिक्कत क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा सामान लेकर के बैठे हुए हैं अपने पास, उनके हाथ से रिसोर्सेज हटाने बचा कितना इस देश में, कई पर 69% रिजर्वेशन है, ज्यादातर जगहों पर 50% है, बाकी जो जनरल कैटेगरी बच रही उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना, आर्थिक आधार पर तो आप भूल ही जाएं। नेहा जी जो दिलीप मंडल जी कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर 50% के ऊपर है वो बेसिकली तमिलनाडु के 69% को कह रहे हैं, पर उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए, पूरे आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि जो 69% है उसमें से 19% रिजर्वेशन हर साल दिया जाता है एक्स्ट्रा, और उतनी सीटें बढ़ाई जाती हैं हर बार, यानी कि वो टोटल 50% पे ही रुका हुआ है, पहला तो ये सबको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे देश में इस पॉलिटिक्स आरक्षण की पॉलिटिक्स खत्म तो जो भी लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं वो किसी भी जाति और धर्म को बिलोंग करते हैं उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि अरे संविधान आपको अगर 50% से ज्यादा आप दे रहे हैं तो संविधान आपको नहीं आता, संविधान आप पढ़िए सर, इसमें पर्सनल होने की बात नहीं है, इसमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। एबीपी न्यूज पर राजधर्म में आज की चर्चा, क्या मराठा आरक्षण एक लॉलीपॉप है? हम आपको बता दें मराठा आरक्षण का ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये आग इतनी बढ़ गई है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। लगातार हमारे साथ दिलीप मंडल जी और डॉक्टर कौशल कांत बने हुए हैं, संक्षेप में आप दोनों से टिप्पणी चाहूंगी। सबसे पहले दिलीप मंडल जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों ना हो, फिर शायद जाति को लेकर के जो संघर्ष हो रहा है आरक्षण को लेकर कि किसका आरक्षण कितना हो कितना ना हो ये खत्म हो जाएगा। देखिए नेहा, आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, गरीबी उन्मूलन के लिए इस देश में बहुत सारी योजनाएं हैं, आरक्षण जो है वो सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव जो ऐतिहासिक रूप से है उसको दूर करने का एक संवैधानिक उपाय है, एससी एसटी और ओबीसी को तीनों को संविधान ने ये संरक्षण दिया है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसी वजह से आरक्षण है, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट
कम से कम इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आरक्षण इस देश में होना चाहिए और जाति के आधार पर होना चाहिए, यह विवाद का विषय नहीं। मराठा आरक्षण में मेरा सिर्फ स्पष्ट रूप से मानना है कि मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। यह सवाल सड़क पर हल नहीं होना चाहिए, हिंसा के जरिए नहीं होना चाहिए और सरकार को झूठे वादे नहीं करने चाहिए, सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। आपने कहा आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है, तो डॉक्टर कौशल का आप क्यों एडवोकेट कर रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो? कह रहे हैं गरीबी दूर करने के लिए कोई और तरीका लाइए, आरक्षण से थोड़ी ना आप गरीबी दूर करेंगे। उसके लिए नरेगा है, उसके लिए कितनी सारी योजनाएं हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइन को कोट करें उसी सुप्रीम कोर्ट उस सर जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये हवाला देते हुए बोल रहे हैं गरीबी उन्मूलन का जरिया नहीं है, उसी जजमेंट में ये लिखा हुआ है एजुकेशनली बैकवर्डनेस लीड्स टू द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द बोथ टाइप ऑफ बैकवर्डनेस। तो ये तो भूल जाइए नेहा जी, सिर्फ आपने कहा एक मैसेज पूरा देश के लिए ये है कि ये फिर एक इलेक्शन है और ये समझ लीजिए कि ये जितनी कुकुरमुत्ता ब्रांड पार्टियां हैं वो सब मिलके 19 के इलेक्शन में बीजेपी को कहें या कहें कि मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से 19 के पहले आपको कौशल कांत जी देखिए यहां पर बड़ी बात ये है कि हम इसके लिए एक पार्टी या दूसरी पार्टी को क्या कहें, इसमें सभी पार्टियां मिली हुई हैं क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको सामने करके आपको वोट मिलता है, उससे जो समुदाय है जो जनता है उसका भला हो ना हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वक्त मेरे पास इतना ही है, चर्चा के बाद मेरा नजरिया, मराठाओं को आरक्षण पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। सियासी दल सिर्फ वोट के लिए झूठे वादे ना करें, लोगों की भावनाओं से ना खेलें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।